बिहार हजारीबाग पोस्ट ऑफिस चौक के पास एक नया टाइप का फ्रॉड देखने को मिला है, जहां पे एक व्यक्ति को गहना का लालच देके उससे और पैसे मांग रहे थे। तो तीन चार लोग का गिरोह था, जो एक व्यक्ति बस स्टैंड में जा रहा था कहीं, उसको गिराया पहले गहना, उसके बाद उसको पकड़ा, बोला कि ये गहना दो, हम लोग आपस में बांट लेते हैं और फिर तुमको हम कुछ पैसा देंगे, ऐसा बोल के उसको किनारे ले गया सुनसान एरिया में। लेकिन वो आदमी जब विरोध किया तब फिर भीड़ लग गया, उसके बाद फिर जो चोर था वो रंगे हाथ पकड़ा गया इस व्यक्ति ने। आइए सुनते हैं किस तरह से रंगे हाथ पकड़ा, और मौके पर ही हजारीबाग के पैंथर पुलिस जो है यहाँ पे पहुँच गया और फिर चोर को है अपने कब्जे पे कर लिया। तो इस तरह का फ्रॉड जो है चल रहा है, किस तरह से आप देखिए कैसे भोले भाले लोगों को जो है गहना का लालच देके, सोना का लालच देके अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे पैसा खींचने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था, मामला क्या था? मामला क्या है कि जब हम यहाँ पर जा रहे थे बस स्टैंड से, तो इसने यहाँ, इन लोग हमको पता नहीं था, ये लोग चार पांच गैंग में हैं। तो हम जब उतरे तो फिर पिछला से एक गैंग वाला, वो लोग को टीम होगा, तो पीछे से हमें एक गहना टाइम में गिरा दिया। तो उसने हम नहीं देखा था, जबकि हम आगे थे, है ना, पीछे से उतारा। फिर दूसरा लोग आया, हमसे पूछने लगा कि भैया आपने गहना को पाया है? कल्याण भैया हमने नहीं पाए हैं। तो फिर दूसरा आदमी आया, वो बताने लगे कि भैया गहना जो आपको लेना है ना, 1.5 लाख का संपत्ति है, तो इस संपत्ति आप रख लीजिएगा, ये वो हम रख लेंगे। तो वो हमसे 8,000 रुपये मांगने लगे, तो हमने देने के लिए सक्षम नहीं हुआ। उसके बाद वो भी बोले कि बोल हम भी 8,000 देंगे, और 8,000 देंगे और एक गहना आप रख लीजिए, ये वो हम रख लेंगे। तो हम बोल दें कि भैया हम नहीं लेंगे गहना के लिए। जब हम बोले इनका फ़ोटो खींचेंगे, तो जब हम फोटो खींचने के लिए खींचने लगे, तो फिर वो हमारे, वो जो था दूसरा वाला आदमी, जो हमारा पार्टनर जो 8,000 मांग किया था, तो उसने हमारा आगे जो है सो वो खड़ा हो जाता था, फ़ोटो खींचने ही नहीं देता था। जब फ़ोटो खींचने नहीं दिया, जब फिर हमको मतलब अकेला ऐसा रास्ता ले गया जहाँ वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, वहाँ से फिर हम किसी तरह वहाँ से लौट गए, वहाँ कुछ नहीं किए, ना ही फोटो खींच पाए। तो फिर वहाँ से आए, उसके बाद फिर बस स्टैंड की ओर आए, तो फिर से उन लोग ये बस स्टैंड की ओर मूव गया, और ये को जिस रास्ता में हमको ले गया था गहना के लिए, तो उस रास्ता में एक मूव हो गया। तो फिर जब इन लोग का, जब हम फोटो खींचे ना, तो दोनों का फेस नहीं खींच पाए, लेकिन फ़ोटो ज़रूर खींचे दो लोगों का। तब जब दूसरे लोगों का हम खींचे, यहाँ के कोई निवासी है हजारीबाग के, तो वैसे लोगों से हमके मिला, तो उसने हमसे पूछा कि भैया आपने काहे फोटो खींच रहे हैं? तो जब फोटो, तो भैया, तब उनको हम बता दें भैया ऐसे से गहना हमको दिखाया, 1.5 लाख का संपत्ति को दिखाया, तो वैसे संपत्ति हमसे पैसा उसा मांग रहा था 8,000, तो हम दिए हुए नहीं, तो फिर हम इसीलिए उनका फ़ोटो खींच रहे हैं। तो उनसे हम बताएं कि भैया हम प्रेस से भी हैं, नहीं वो फ़ोटो खींचने दिया हमको। तो फिर उसने था, फिर वो बाइक वो अपने उतारे वो भैया, और फिर उस चोरों को पकड़ने के लिए गए। जब वो तीसरका, जब वो पकड़ने गए, तो उनके लास्ट शायद वो उनका मोबाइल भी ले गए शायद, तो वो उनका जो सामान था गहना, वो शायद उस पार्टनर को दे, जब उसको पकड़ने गए तो उनका कुछ देर पकड़े, तो वो सीधा भाग गए। और जो हम, मेरा साथ जो गहना दिखाया था, तो वो व्यक्ति निश्चित तौर से पकड़ा गया है। तो फिर उन लोग को चाहे कि इस तरह का फ्रॉड जो हो रहे हैं हमारा हजारीबाग क्षेत्र में, इस तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तो प्रशासन इनसे ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखे। इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ।